हेलो स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर नंबर 18 में बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो डिफरेंशिएशन का 7th टॉपिक है। मेरा जो वीडियो सीरीज पूरी चल रही है, जो मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि डिफरेंशिएशन किसी भी इंजीनियरिंग बच्चे को हार्ड नहीं लगना चाहिए, उसके लिए मैंने 17 लेक्चर्स बना दिए हैं। उसमें 20 से ज़्यादा सम्स मैंने कर दिए हैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि मैथ्स में ये टॉपिक इंजीनियर्स को हार्ड नहीं लगना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं। सारे वीडियोस आप देखो अच्छे से, 1 to 17 तक सारे देख लो। आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, मुझे पता है कि कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस टाइम पे आपको नहीं समझ आता है, तो उस सब के लिए आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन मैंने ढूंढा है कि आपको वीडियो लेक्चर से मैं पढ़ाऊँ, यूट्यूब से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। इसीलिए आज मैं देखता हूँ कि मेरे लेक्चर्स बच्चे बहुत ही पसंद भी कर रहे हैं और मुझे टॉपिक सजेस्ट करते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। बच्चों के कमेंट से मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा डिटेल में मेरे वीडियोस को स्टडी कीजिए, पढ़िए, समझिए, अपने मार्क्स इंप्रूव कीजिए और लाइफ में बहुत अच्छी प्रगति कीजिए। आज के लेक्चर में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एक्चुअली इसके दो सब टॉपिक बनते हैं, एक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में दो टॉपिक्स में से पहला टॉपिक जो है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो मैं आज आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके बाद एक दूसरा टॉपिक आता है एप्लीकेशंस में, जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसको हम मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं। ठीक, तो चलिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक्स देख लें, फंडामेंटल्स देख लें, जो सम सॉल्व करने में हमें मदद करेगी। ये जो भी सम्स होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, उसमें हमेशा आपको एक इक्वेशन देते हैं, जैसा कि आपको एक ऐसा दिया होगा, ये एस का इक्वेशन होता है, एस यानी डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट, उसका आपको इक्वेशन देते हैं। वो इक्वेशन में से आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ढूंढना हो कि वो डिस्टेंस है, हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन यूज होता है। जैसे कि आपको एस दिया हो, उसका आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, वी यानी वेलोसिटी, और ए यानी एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी फाइंड करना हो तो आपको करना कुछ नहीं है, एस को डिफरेंशिएट कर दोगे एक बार तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर जो वेलोसिटी आपको मिला उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन यूज करके हमने डिस्टेंस में से वेलोसिटी ढूंढ लिया और वेलोसिटी में से उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। और इसमें क्वेश्चंस में ऐसा ही दिया होता है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल दिया होता है, एक पार्टिकल होता है वो घूम रहा होता है, कुछ स्पीड से जा रहा होता है कुछ डायरेक्शन में, उसके डिस्टेंस का ये इक्वेशन आपको दिया होता है। अब इसमें आप पढ़िए, समझिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। पार्टिकल डायरेक्शन कब चेंज करता है वो आपको टाइम। तो सबसे पहले हम ये एस का इक्वेशन लिख के उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे और वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। एस आपको दिया है टी क्यूब माइनस 5t² प्लस 3t प्लस 1। अब मैं लिखूंगा
differentiating on both the sides with respect to t, t से ही करना है क्योंकि t है ना सब जगह टाइम, t से ही करना है। तो क्या मिलेगा, d by dt of s equals to d by dt of t cube minus 5t square plus 3t plus 1। अब d by dt मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा d by dt of t cube, फिर d by dt मैं 5t square से मल्टीप्लाई करूंगा। कहने का मतलब ये कि d by dt चारों चार से मल्टीप्लाई मुझे करना है, तो मिलेगा d by dt of 5t square plus फिर d by dt आएगा थ्री टी हो गया, फिर d by t आएगा वन हो गया, ठीक है। अब इसमें तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो मैंने अभी भी लिखी हुई है, d by dt of x raised to n n x raised to n minus 1, तो पावर आगे चला जाएगा 3 हो जाएगा, t के ऊपर पावर 3 माइनस 1 फर्स्ट फॉर्म माइनस। अब इसमें हम लोग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला जो था कि जो जिसमें क्या होता है 5 आगे चला जाता है और d by dt जो है अब वो t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, इसमें भी 3 आगे चला जाएगा, कांस्टेंट को हमेशा आगे भेज देते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। ये हो गया 3t 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से 2 आगे चला जाएगा और t के ऊपर पावर आएगा 1 क्योंकि हम लोग पावर 1 माइनस कर देते, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, पर 1 हम लिखते नहीं है पावर में कभी। डिफरेंशिएशन ऑफ t तो वो हो जाएगा 1, फॉर्मूला ही है 0 हम लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 प्लस 3। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ds by dt, और ds by dt होता क्या है, v means velocity, यानी हमने velocity find कर लिया है। अब velocity find कर क्यों किया हमने, question में दिया है क्या velocity find कीजिए, नहीं दिया है, find the time, आपको time पूछा है when the particle changes its direction, मैंने velocity क्यों find किया ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, ये स्टेटमेंट क्या बताता है कि वेलोसिटी इज जीरो। अब इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पार्टिकल फॉर एग्जांपल अर्थ पे है, ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यहां तक पहुंचा, अर्थ से जब ऊपर जाना चालू किया उस टाइम पे उसकी स्पीड ज्यादा थी, जैसे जैसे ऊपर जाता रहा स्पीड कम होती रही, टॉप पे पहुंचा जहां पर उसकी स्पीड एकदम जीरो यानी वेलोसिटी जीरो हो गई, तब उसने डायरेक्शन चेंज किया और नीचे की तरफ आने लगा। यानी जब भी आपको एग्जांपल में ऐसा लिखा हो कि डायरेक्शन चेंज होती है तो आपको वेलोसिटी जीरो लेना है, तो वेलोसिटी जीरो लेना है वो इस सेंटेंस से पता लगा, इसलिए मैंने वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब ये वेलोसिटी को जीरो लेके हम लोग टी फाइंड आउट करेंगे, कैसे होगा देखो समझा। अब ये जो वेलोसिटी हमें मिली है मैं फिर से लिखता हूं यहां पर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरे चैनल में आपको एक एक स्टेप मैं क्लियरली शो करूंगा, जिससे बच्चा डिप्लोमा का हो या डिग्री का हो या कोई और फील्ड का हो, बस जब डिफरेंशिएशन आए उसको तो अच्छे से वो सॉल्व कर सके। अब हमें v को जीरो लेना है, ये सेंटेंस के पढ़ने के बाद हमें ये पता लगता है v इज जीरो, 3t स्क्वायर माइनस 10t
प्लस थ्री। अब ये कॉन्सेप्ट है ना हमारा इक्वेशंस वाला ही है जो टेंथ में आपको आता था, मैंने बस जीरो वहां लिख दिया। अब इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को करना होता है मल्टीप्लाई, यानी कि इसमें इधर का थ्री और इधर का थ्री मल्टीप्लाई करो तो थ्री थ्री जार नाइन, नाइन के फैक्टर गुजराती में बोलते अवयव, अवयव या तो फैक्टर, फैक्टर आप निकालो तो नाइन वन जार नाइन, माइनस प्लस साइन दिया है, देखो साइन कैसा दिया है, पहले माइनस है फिर प्लस है ऐसा साइन, तो माइनस प्लस साइन दिया है तो माइनस प्लस का आंसर होता है माइनस, और ये रिंग आपको यूज करना है, ये माइनस का साइन इसको दे दो, ये माइनस का साइन इसको दे दो, तो आंसर आता है क्या आता है माइनस टेन। तो ये जो माइनस टेन आंसर है वो यहाँ पे है कि नहीं वो आपको चेक करना है। हमारा तो अच्छा है कि भाई माइनस टेन आंसर आया तो माइनस टेन यहाँ पे है, यानी ये बराबर है, बट कई स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते कि नाइन जो था उसका फैक्टर है ना थ्री इंटू थ्री भी कर सकते, क्योंकि थ्री इंटू थ्री भी नाइन होता है, बट उस केस में हम चेक करेंगे कि आंसर आता है कि नहीं। चलो देख लेते एक बार फिर से, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, ये रिंग यूज करना है, ये माइनस का साइन इसको, ये माइनस का साइन इसको, इसका आंसर आएगा माइनस सिक्स, बट ये माइनस सिक्स यहाँ नहीं, यानी कि ये गलत है। तो ये हमारा सही वाला आंसर है, तो हम लिखते हैं माइनस टेन टी के बदले हम लिखेंगे पहले माइनस नाइन टी फिर माइनस वन टी प्लस थ्री। दोनों में कॉमन क्या है, थ्री टी कॉमन है, तो क्या बचा अंदर टी, क्योंकि थ्री आ गया बाहर, दो टी है उसमें से एक टी बाहर आ गया, अंदर एक एक ही टी बचा, माइनस इसमें से थ्री तो चला गया, थ्री बचा, टी भी बाहर आ गया था इसलिए टी नहीं लिखा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस आए नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस, फिर वन कॉमन निकालूंगा। याद रखना जब भी कॉमन नहीं होता है तो हम लोग वन को कॉमन निकालते हैं, और साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस बाहर निकाला इसके अंदर प्लस था तो माइनस किया। और वैसे भी एक चीज याद रखने कि जब भी हम लोग इस तरह से इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो जो दो ब्रैकेट बनती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो समझ जाओ कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। अब दोनों ब्रैकेट जो सेम सेम है वो दोनों ब्रैकेट के बदले एक ही ब्रैकेट लिखेंगे, और जो बच गया कि भाई थ्री टी और ये माइनस वन उसको एक अलग ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इसका मतलब ये कि t माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और थ्री टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये तो आपको आता ही होगा, हमने सिक्स सेवन स्टैंडर्ड से हम ये सब सीख रहे हैं। माइनस थ्री वहां जाएगा तो प्लस थ्री होगा, इसमें क्या होगा माइनस वन वहां जाएगा तो प्लस वन होगा, फिर थ्री को हम यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सो थ्री टी इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री हो जाएगा, तो ये आपका एक आंसर आएगा। यानी हमारे केस में ये जो टी है, टी का मतलब क्या होता है टाइम, जो टाइम आपको ढूंढना है वो टाइम आपको मिल गया है, एक तो थ्री है और एक वन अपॉन थ्री है, तो टाइम आवर में है कि मिनट में है कि सेकंड में है हमें नहीं पता है, पर क्योंकि यहाँ भी नहीं दिया था बट हम लोग उसको सेकंड्स में लिखते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टाइम टी इक्वल्स टू थ्री सेकंड और टी इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री सेकंड, ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जिसमें एप्लीकेशंस का मैंने एक सम लिया, इसका एक और भी मैं दो सम और ले लेंगे इसी टॉपिक का, यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो आप ध्यान से देखना वीडियो को कि भाई इसमें क्या हमने किया है, हमने फॉर्मूला मोस्टली ये टॉपिक में यही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में,
ठीक है। बट वी ए और टी में आपको कंफ्यूजन होता है कि भी कब वी ढूंढना है, कब ए ढूंढना है, यानी कि कब वेलोसिटी ढूंढना है, कब एक्सेलरेशन ढूंढना है, कब टाइम का उसमें डालना है, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बट आपको कुछ भी ना समझ आता हो ना इसमें एग्जाम में कि क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप दो चीजें करके आओ तो भी उसके मार्क्स मिल जाएंगे। वो दो चीजें ये है, एक आप वेलोसिटी ढूंढ लो, क्योंकि आपको ये तो दिया हुआ ही होगा इक्वेशन, तो एक वेलोसिटी ढूंढ लो, पूछी हो या ना पूछी हो आपको समझ नहीं आ रहा है, एक एग्जाम में कंफ्यूज हो गए हो, भूल गए हो, तो एक आप वेलोसिटी ढूंढ लो, दूसरा एक्सेलरेशन ढूंढ लो, और दोनों डिफरेंशिएशन से ही ढूंढना है। दो चीजें करके आओ तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन होगा ना, आपको 1 मार्क तो 100% मिलेगा, ठीक है। तो 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को पास होने के लिए, तो इस तरह से आपको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।